तो गाइस देखो, बीच में यार 2 दिन तक है ना मैंने गेम है ना ज्यादा नहीं खेली थी, तो ऐसे में हुआ क्या कि मेरी जो जॉयस्टिक है ना भाई वो बहुत अजीब बिहेव करने लग गई। और ऊपर से मैं ना थोड़ा सा ग्लोबल पबजी मोबाइल खेल रहा था, तो वहां पे जो मूवमेंट्स है ना भाई अभी 2.5 अपडेट में बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। लाइक तुम अगर थोड़ी सी भी जॉयस्टिक हिलाओगे ना भाई एकदम बंदा तुम्हारा परफेक्ट मूवमेंट करने वाला है। तो ऐसे में जैसे ही मैं बीजीएमआई पे आया ना भाई, तो यहाँ पे जॉयस्टिक थोड़ी सी अजीब लग रही थी मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या अपनी जॉयस्टिक को परफेक्ट करने के लिए किया, तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें भी जॉयस्टिक में कोई परेशानी आ रही है ना, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, तुम्हारी जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व जरूर से हो जाएंगी। बाकी अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो सबसे पहले वो कर देना, सब्सक्राइब तुम एंड में जाके कर सकते हो जब तुम्हें वीडियो पसंद आती है। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्टेड। तो गाइस अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें, तो देखो जब भी तुम्हारी जॉयस्टिक में कोई सी भी दिक्कत आती है, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, जाओगे अपनी सेटिंग्स में, कंट्रोल्स में, एंड देन अपनी जॉयस्टिक की जो पोजीशन है ना वो थोड़ी सी चेंज करते हो। तो सबसे पहले प्लेसमेंट जो है ना जॉयस्टिक की, उसकी बात कर लेते कि तुम्हें कहाँ रखनी है। गाइस देखो पहले तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ पे फर्स्ट लेआउट में खेल रहे हो ना, देखो तुम्हें 3 लेआउट दिख रही होगी। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट रहती है, सेकंड रहती है, थर्ड रहती है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो प्लेयर्स है ना वो फर्स्ट पे खेलते हैं, इनफैक्ट मैं भी फर्स्ट पे खेलता हूँ। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पे अपन खेल रहना तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, तुम कहीं पे भी पोजीशन है ना अपनी जॉयस्टिक की रख सकते हो, तो ज्यादा कुछ है ना फर्क नहीं पड़ता है, तुम कहीं पे भी अपनी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट रख सकते हो। लेकिन फिर भी एक मैं टिप देना चाहूंगा अगर तुम्हें, तो मैं वो बता देता हूं तुम्हें। तो देखो यहां पे ना अभी जॉयस्टिक में है ना वैसे ऊपर कर लेता हूं, जहां पे मेरा जो थंब है ना नॉर्मली टच होता है ना वहां पे मैं रख लेता हूं, बीच में मैंने रख लिया यहां पे। तो यहां पे भी प्रॉब्लम क्या आती है ना मुझे, तो इतना ज्यादा ना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। लाइक मेरा एक तो थंब मुझे ज्यादा ऊपर ले जाना पड़ता है, मुझे ऐसा फील होता है, ऑल्दो ऐसा ज्यादा कुछ होता नहीं है। बट यहां पे तुम देख रहे हो ना जैसे मैं जिगजैग मूवमेंट देता हूं ना, मेरा बंदा बीच में थोड़ा सा जो है स्ट्रक करने लगता है। तो इसीलिए ना मैं ये चीज को भाई हमेशा अवॉइड करता हूं, और अपनी जो जॉयस्टिक है ना उसको बिल्कुल एकदम नीचे कर लेता हूं, ताकि जैसे ही मेरा थंब थोड़ा सा भी ऊपर जाए ना एकदम बढ़िया से जो मेरा जो जिगजैग बंदा है ना करते हुए जाए, एंड मूवमेंट जो है ना एकदम प्रॉपर क्लियर मूवमेंट आए। तो अपनी जॉयस्टिक को तुम भी एकदम नीचे कर सकते हो, ताकि ना क्लियर मूवमेंट्स आए और तुम्हारा जो बंदा है ना बीच में स्टक ना हो। तो गाइस अगर बात की जाए जॉयस्टिक की साइज की वो हमें क्या रखनी है, तो गाइस देखो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी जॉयस्टिक पे जैसे तुम टच करो तुम्हारा जो बंदा है ना एकदम बढ़िया से मूवमेंट करे। तो ऐसा अगर तुम चाहते हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी जो जॉयस्टिक की साइज है ना वो तुम बिल्कुल कम करके रखो। यहाँ पे मैं भी एकदम जो लीस्ट साइज होती है ना वो रखता हूँ। अब इससे होता क्या है कि एक तो तुम्हारी जो जॉयस्टिक है ना, पिछले पॉइंट में मैंने बताया था एकदम नीचे रखनी चाहिए, तो वो है ना अगर तुम छोटी जॉयस्टिक करते हो ना तो ईजिली हो जाता है, बड़ी जॉयस्टिक रखोगे ना तो बीच में अटके रहेगी, तुम पूरा उसे नीचे जो है टच नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं ना भाई ज्यादातर है ना अपनी जो जॉयस्टिक है ना उसको एकदम छोटी रखने की कोशिश करता हूँ। एंड जितने भी अपने प्रो प्लेयर्स है भाई तुम उनको फॉलो करते हो ना, स्काउट हुआ या फिर अपना गॉबलिन हुआ या फिर जॉनथन हुआ, तो सब है ना भाई ज्यादातर ना छोटी जॉयस्टिक ही यूज करते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई देखो बड़ी जॉयस्टिक के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पे जो छोटी जॉयस्टिक है ना वो सबसे बढ़िया रहती है, तो तुम भी वो कर सकते हो। तो गाइस जॉयस्टिक प्लेसमेंट की हमने बात कर ली, जॉयस्टिक की साइज की हमने बात कर ली, अभी छोटी मोटी टिप्स मैं तुम्हें दे देता हूँ। जो स्प्रिंट वाला बटन है ना इसको ऊपर तुम्हें नहीं रखना है, एकदम इसको जो है सबसे नीचे तुम्हें रखना है। ऊपर रख लेते हो ना तो गाइस होता क्या है ना कि स्प्रिंट पे जाना है तुम्हें, सपोज करो स्प्रिंट पे अपने बंदे को लॉक करना है, तो तुम्हें बहुत ऊपर तक स्ट्रेच करना पड़ेगा जहां तक तुमने वो बटन को ऊपर रखा हुआ है। लेकिन अगर तुम इसका जो है एकदम नीचे कर देते हो इस बटन को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्वाइप कर दे तुम्हारा बंदा स्प्रिंट पे लॉक हो जाता है, एंड इजिली तुम जो है स्प्रिंट मूवमेंट्स कर सकते हो। तो ये चीज एक तो ध्यान में रखनी है तुम्हें। अब गाइस देखो काफी लोग है ना अभी रिसेंटली गेम को वापस खेलना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। यहाँ पे जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी है ना इसको भाई देखो काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई या तो तुम बीच में रखो या फिर कोई कोई नंबर बताते हैं तुम्हें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई इसको तुम्हें हमेशा फुल रखना है। यहाँ पे इसको तुम बिल्कुल नीचे कर लेते हो ना तो रिस्पॉन्सिवनेस है ना जॉयस्टिक की वो कम हो जाती है। अब सब देख लो यहाँ पे मैं एकदम अगर भगाना चाहूंगा ना बंदे को एकदम स्प्रिंट पे भगाना चाहूंगा, तो भाई मुझे जॉयस्टिक है ना बहुत ऊपर तक लाइक जहां पे मेरी स्क्रीन एंड हो रही है ना वहां तक स्ट्रेच करनी पड़ेगी। वैसे में सही यही रहता है कि तुम्हारी जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी है उसको तुम फुल कर लो, ताकि तुम्हें जिगल देने में, स्प्रिंट करने में किसी भी चीज में ना दिक्कत ना आए, तुम्हारा बंदा बीच में अटके ना, और जॉयस्टिक स्ट्रक वाली जो प्रॉब्लम है ना वो तुम्हें फेस ना करनी पड़े। बाकी यार गाइस देखो अभी तक इतने साल हो गए इस गेम को लॉन्च हुए और अभी तक तुमने एक फिंगर स्लिप पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना, तो भाई देखो तुम्हें वो करनी पड़ेगी। जॉयस्टिक की जो ज्यादातर प्रॉब्लम है ना वो एक अच्छी फिंगर स्लीव्स है ना खरीदने से सॉल्व हो जाती है, और तुम्हारी मूवमेंट्स जो है ना ज्यादा स्मूथ तुम्हें लगने लगेंगी। अब देखो सर्दियों में तो फिर भी ना थोड़ा सा काम चल जाता है, क्योंकि ठंडा ठंडा रहता है, इतना ज्यादा जो है स्वेटिंग नहीं होता, इतना ज्यादा फोन हीट नहीं होता, उससे स्वेटिंग नहीं होती है। लेकिन गर्मियों में है ना भाई ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जो है एकदम
जो है दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो तुम्हें एक फिंगर स्लीव ले लेनी है ताकि है ना तुम्हारे हाथों पे अगर स्वेटिंग होती है ना तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तुम्हारा फोन अगर हीट होता है तो उससे स्वेटिंग होने वाली है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि मैं जो फिंगर स्लीव यूज करता हूँ उसकी लिंक तुम्हें चाहिए तो भाई देखो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वेरो फुर्जा की फिंगर स्लीव मैं यूज करता हूँ तो वो तुम ले सकते हो। ऑल्दो वो थोड़ी सी कॉस्टली है क्योंकि ज्यादातर जगह ना मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को भाई वो 10-10-20 रुपये में है ना जो जॉइस अपनी जो है ना फिंगर स्लीव ले आते हैं, लेकिन मेरे को नहीं मिली थी तो मैंने वो ना एक बार 2 साल पहले परचेज की थी तो अभी तक भी ना बढ़िया चल रही है तो वो तुम ले सकते हो। एंड बाकी यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो, भी तुम गेम प्ले इंजॉय कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। तो वन वी फोर करने वाले हो ना म्यूटू, यही है कोबरा जिसने आपको मारा था, कैसे पीक करके देख रहा है लोल। तुम पे क्या एनर्जी मनी महज मगर भाई निकल अपन पहुंचेंगे जब तक तो चिकन कहीं नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब एक रेड वाला तुम्हारे आगे आ रहा है, turn and look inside, there's nothing I can't